नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग कॉन्कॉल में आपका स्वागत है। आज 5 मई, कल के सेशन में अगर हम करेंसी मार्केट की अगर बात करें तो रुपया शुक्रवार को बंद होने के बाद आज के सेशन कल के सेशन में हमने गैप अप ओपनिंग आते हुए देखी, जहां रुपए में हमने मई वायदे में करीबन 75-85 के करीब मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाले दिनों में रुपये में फिर से मजबूती देखने मिल सकती है। आज जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में तेजी है, ये कहीं ना कहीं रुपए को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा कि 100 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो आज के सेशन में हमें लगता है कि 76.20 के नीचे कंटिन्यू होल्ड करने पे 75.50 से 75.40 तक के लेवल USD/INR में हम देख पाएंगे। कल के सेशन में हमने यूरो में भी करीबन आधे परसेंट से ज़्यादा की गिरावट देखी है। आउटलुक अभी भी वीक है, जो 82.40 से लेकर 82.20 तक का लेवल यूरो आयरन में दिखा सकता है। आज की ओपनिंग हो सकती है 83 के करीब जाए, बट सस्टेनेबल नहीं है। वहीं अगर पाउंड की बात करें तो आज की ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है, जो 94.65 के करीब रहेगी। कल के सेशन में हमने देखा था 94 के करीब ही मार्केट पूरे दिन ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, तो एक बाउंस पे हम फिर से सेल पोजीशन बना सकते हैं। जिस ढंग से ब्रेग्जिट को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पाउंड पे गिरावट का रुख कायम रखेगा। येन में भी कल हमने करीबन 1% के करीब की गिरावट आती हुई देखी। आज प्राइजेस पॉजिटिवली ओपन होंगे, बट 71.30 71.40 का लेवल दिखाने के बाद येन में भी हम फिर से गिरावट का रुख देख पाएंगे। धन्यवाद।